अगर आप लोग भी 2023 में बोर्ड परीक्षा देंगे तो ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ा न्यूज बन के आया है। मतलब पता नहीं ये अचानक बदलाव किया गया है कि मैट्रिक और इंटर परीक्षा में घटेगी वैकल्पिक प्रश्नों की संख्या। मतलब हो गया कि आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न की संख्या घटा दिया जाएगा। जैसे कि सेंटर परीक्षा में आप लोग ने क्या देखा कि 100 ऑब्जेक्टिव में से मात्र 50% बनाना पड़ रहा था। तो ऐसा होगा या नहीं होगा, तो अभी का ये अपडेट फिलहाल ये बता रहा है कि ऐसा नहीं होगा, मतलब वैकल्पिक प्रश्नों की संख्या घट जाएगा। और पिछले वर्ष के अनुसार 100 की परीक्षा में आपको 60 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से मात्र आपको 50 बनाना होगा। और प्रैक्टिकल वाला भी, जैसे कि साइंस में मान लीजिए 40 अंक आप परीक्षा रहेगा तो 40 ऑब्जेक्टिव बनाना रहेगा, जिसमें 48 आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको मात्र 40 बनाना होगा, 42 नहीं मतलब 40 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यह अपडेट पता नहीं सही है या गलत, इसके कंफर्मेशन के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह बिल्कुल रूप से फेक है, आपको पहले ही बता दें। लेकिन फेक है तो फिर आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या बिहार बोर्ड के द्वारा अचानक बदलाव किया जा सकता है या फिर नहीं? तो हाँ जी, बिल्कुल किया जा सकता है फ्यूचर में। चलिए हम जानते हैं आगे की भी। पेपर कटिंग है, देख सकते हैं, भास्कर न्यूज़ वाला है, दैनिक भास्कर खगड़िया का ये न्यूज़ है, तो इसमें कहीं गलती नहीं होगा। कब का है पेपर ये इसमें नहीं दर्शाया गया है, तो कहीं कहीं ये एडिट भी हो सकता है। आप लोग को घबराना नहीं है परीक्षा के लिए, क्योंकि हम इसमें आपको सही और सही जानकारी आपको देने वाले हैं कि ये क्या है, सही है या फिर गलत है। आप लोग को बता दें कि ये बिल्कुल तरह से फेक है। हम आपको बता देते हैं किस तरह से आपका परीक्षा लिया जाएगा। आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि मैट्रिक इंटर का जब सेंटर परीक्षा लिया गया है, जिस आधार पर, उसी आधार पर आपका बोर्ड एग्जाम लिया जाएगा। यह पेपर कटिंग जो है, यह बिल्कुल रूप से आपका फेक है ये। ठीक है, ये किसी भी तरह का सच नहीं है, बिल्कुल रूप से ये सच हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सेंटर परीक्षा जिस आधार से लिया है बिहार बोर्ड, उसी आधार से आपको परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को घबराने की आवश्यकता नहीं है। विशेष जानकारी के लिए आप यहाँ पर आइएगा, 10th का रूटिंग ऑफिशियल जारी हुआ है, आपको पता भी होगा, तो आपको डाउनलोड यहाँ से कर लेना है। ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो 12th के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड ओरिजिनल भी आपका जारी है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपका ओरिजिनल कार्ड एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, विशेष जानकारी के लिए आपको क्या करना है, गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद इसके बारे में विस्तार से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको सर्च कर लेना है इस चीज को, माधव NCERT क्लासेस। ठीक है, इस चीज को आप सर्च करेंगे, अब आपके सामने ऐसा ऑप्शन आया, यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। सब कुछ आपको फ्री मिल जाएगा, यहाँ पे कुछ भी आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, गैस पेपर से लेकर मॉडल पेपर तक। और यहाँ पे आइएगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये अपडेट जो है, यहाँ से आप घटेगा वैकल्पिक प्रश्नों की संख्या, विशेष जानकारी आप उसमें अपलोड है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, वही बता दें जानकारी के लिए कि अचानक बदलाव बिहार बोर्ड की ओर से कभी भी किया जा सकता है, इसमें कहीं से दोहरा नहीं है, कभी भी आपको ऐसा बदलाव किया जा सकता है। अभी भी जबकि इतना बात हो गया है, तो भी यहाँ पे टेबल कंटेंट पर क्लिक करके आपको इंपोर्टेंट यहाँ पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, यहाँ पर चेंजिंग किया जा सकता है, इसमें कहीं से घबराने की बात नहीं है। अगर आपको टॉपर कैसे बनना है, टॉपर की तरह अगर पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करके टॉपर की सारी बुक और सारी सिलेबस और नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।